Hello students, welcome back to my video. So today I am going to explain you the word meanings and question answers of first short story, The Unthankful Man from Panchatantra. So let's get started. Difficult words and meanings. Outskirts, the outer area of a city, town or a village. Ek bahari ilaka, ek shahar ka, gaon ka. Peep. टू सीक्रेटली लुक्ड एट, किसी को चोरी छुपे से देखना. अनग्रेटफुल, थैंकलेस, जो किसी को शुक्रिया अदा नहीं करता. डिप्रेस्ड, होपलेस, चिंतित, जिसे कोई उम्मीद ना हो. प्लाइट, एन अनप्लीजेंट कंडीशन, एक उदास सी स्थिति. चार्ज, फॉर्मल एक्यूजेशन. इनोसेंट, सिनलेस, बहुत शरीफ. नाउ द क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन वन, व्हाट वॉज रमन्स वाइफ फेड अप विद. रमन की जो वाइफ थी वो किससे उब चुकी थी, यानी अक चुकी थी. आंसर, रमन्स वाइफ वॉज फेड अप विद पॉवर्टी. पॉवर्टी होती है गरीबी. रमन की वाइफ पॉवर्टी से अक चुकी थी. क्वेश्चन सेकेंड, व्हाट डिड रमन सी वेन ही पीप्ड इंटू द वेल. रमन ने क्या देखा जब उसने कुएं में झांका. आंसर, रमन सॉ अ टाइगर, अ मंकी, अ स्नेक एंड अ मैन इन द वेल. रमन ने एक टाइगर, एक मंकी, एक स्नेक और एक आदमी को कुएं में देखा. क्वेश्चन थर्ड, वाई वॉज रमन स्केयर्ड ऑफ द स्नेक. जो रमन था वो स्नेक से क्यों डर गया था. Answer, Raman was scared of the snake because he thought that if he would save the snake, it will bite him. क्योंकि रमन को लगा अगर वो सेव करेगा स्नेक को, यानी कुएं से बाहर निकालेगा, उसकी जान बचाएगा, तो वो उसे डंक मार देगा. इसलिए रमन स्नेक से डर रहा था. Question fourth, what did the monkey do when Raman was hungry? मंकी ने क्या किया जब रमन भूखा था. आंसर, रमन टोल्ड मंकी दैट ही हैड नॉट ईटन फॉर सेवरल डेज. रमन ने मंकी को बताया कि उसने काफ़ी दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. एट वंस द मंकी क्लाइम्ड अप द ट्री एंड पिक्ड अप स्वीट जूसी मैंगोज फॉर रमन. उतने में मंकी ने ट्री के ऊपर क्लाइम, यानी ट्री के ऊपर चढ़ा और मीठे रसीले आम उतारे रमन के लिए. रमन एट द मैंगोज And satisfied his hunger. उसने सारे आम खाए और अपनी भूख को मिटाया, शांत किया. Question fifth, what did the tiger give him? Tiger ने उसे क्या दिया. Answer, the tiger gave Raman a necklace which was given to him by a prince. Tiger ने रमन को एक necklace दिया जो उसे prince के द्वारा दिया गया था. Question sixth, What did the goldsmith do when Raman showed him the necklace? Goldsmith ने क्या किया. Goldsmith होता है सुनैर. सुनैर ने क्या किया रमन के साथ जब रमन ने उसे वो नेकलेस दिखाया. Answer, the goldsmith went to the king and told him that Raman had killed the prince and stolen his necklace. The goldsmith got Raman arrested. जो goldsmith था वो king के पास गया और उसे बताया कि रमन ने प्रिंस को मारा है और नेकलेस चुराया है. स्टोलन होता है चुराना. और जो goldsmith है वो रमन को अरेस्ट करवा देता है राजा के सिपाहियों से. क्वेश्चन सेवेंथ, हाउ डिड रमन क्योर द क्वीन. क्योर होता है ठीक करना. रमन ने रानी को कैसे ठीक किया. रमन टच द क्वीन्स फोरहेड एंड शी गॉट क्योर्ड. रमन ने रानी के फोरहेड को, यानी माथे को हाथ लगाया और वो ठीक हो गई. क्वेश्चन एट, वाई डिड द किंग सेंड द गोल्डस्मिथ टू जेल. राजा ने गोल्डस्मिथ यानी सुनैर को जेल में क्यों डाला. Answer, the king sent the goldsmith to the jail because he had got an innocent man arrested. Raja ne Sunair ko jail mein isliye dala kyunki usne ek sharif aadmi ko arrest karwaya tha. He was cruel and ungrateful. Wo bahut hi chalak tha aur ungrateful yani bari nahi tha us aadmi ka.
ही फ्रेम्ड रॉन्ग चार्जेस अगेंस्ट अ मैन हु हैड सेव्ड हिज लाइफ, और उसने गलत इल्ज़ाम लगाए थे उस आदमी के लिए जिसने उसकी जान बचाई थी। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। चेक आउट माई प्ले लिस्ट क्लास 8th इंग्लिश फॉर मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बुक। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।